हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोग की? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं था तैयार कर क्यों बैठी हूँ, क्योंकि आज हम बात करेंगे वेडिंग शॉपिंग के बारे में। लास्ट टाइम जो मैंने बात की थी वो वेडिंग एसेंशियल के बारे में थी, जो बेसिक चीज़ है हम अपने सूटकेस में रखना भूल जाते हैं। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप लोग को देखना हो तो आप लोग लाजमी जाके देखना। तो बस आज हम बात करेंगे जो सबको ही पता होता है, कपड़े, जूते, ज्वेलरी, आज हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। तो इसलिए मैं भी दुल्हन बन के बैठ गई हूँ अपने कपड़े निकाल के पहनकर। तो बस अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, हम चलते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कपड़ों के बारे में कि हमें क्या ड्रेसेस लेने चाहिए। वो तो आप लोगों पर है कि आप लोग कितने ड्रेसेस ले रहे हैं, लेकिन कितने फैंसी होने चाहिए, कितने फॉर्मल होने चाहिए और कितने नॉर्मल टू वेयर होने चाहिए। तो शादी का सुन के ये हो रहा था वो शॉपिंग ये लेना है वो लेना है, बस ये चीज़ें शुरू हो जाती है। लेकिन हमें बहुत स्मार्टली प्ले करना चाहिए, देखकर सोच समझ कर लेना चाहिए कि हम कुछ चीज़ ले रहे हैं वो वर्थ इट है, आगे हमारे कितना इस्तेमाल में आएगी और कितना नहीं। तो मैं अगर अपना बताऊँ साथ में, वैसे मैं भी आज अपनी थोड़ी बहुत शॉपिंग, कुछ ड्रेसेस और थोड़ी बहुत जूते ज्वेलरी आप लोगों को दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। अच्छा जी, तो कपड़ों में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को क्या सोच समझ कर ड्रेसेस लेने चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग बहुत भारी भारी कपड़े ले लेते हैं, शायद ज़्यादा एक्साइटमेंट में ही कह लो, तो वो बड़ी गलती है, वो नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल वो कपड़े लो, बिल्कुल मना नहीं है, ठीक है। तो अब कपड़े हम लोगों ने जितने बनाने होते हैं वो सबके अपने ऊपर डिपेंड होता है, कोई 10, 12, 15 जितना भी आप लोगों का हिसाब है वो आप लोगों ने अब खुद ही अपने हिसाब से उस चीज़ को हाफ ऑफ कर लेना है। मैं बस आपको तीन ऑप्शन में कपड़े डिवाइड करके आप लोगों को बताऊँगी किस तरह आपको अपने शादी कपड़ों को यूटिलाइज़ करना है। तीन पॉइंट्स, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप लोगों ने करना है फॉर्मल कपड़ों का, ठीक है। फिर आ जाता है सेमी फॉर्मल, फिर आ जाता है नॉर्मल में, ठीक है। तो वो आप लोगों ने देखना है कि आप लोग कितने ज़्यादा फॉर्मल ड्रेस, फैंसी ड्रेसेस कह लो वो बना रहे हो, कितने सेमी फॉर्मल बना रहे हो और कितने नॉर्मल जो हम लॉन के कपड़े पहनते हैं घर में वो बना रहे हो, ठीक है। तो वो आप लोगों ने करना है कि कितने कितने आप लोगों ने उसको अपने नंबर के हिसाब से करना है। लेकिन ये तीन होते हैं बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। सबसे पहले तो मैं कहती हूँ ज़रूरी हो जाते हैं आपके घर के कपड़े, ठीक है। शुरू शुरू में आपकी बस दावतें हो रही होती हैं, कितनी दावतें हो जाती है, बहुत, मेरे ख्याल से 4, 5, 6 दावतें मेरे ख्याल से हद मारकर इतनी दावत होती है अगर आपकी छोटी सी फैमिली है तो, ठीक है। बड़ा ख़ानदान है तो फिर ऑब्वियसली ज़्यादा दावतें होती है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी इतने भारी कपड़े बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे पुराने हो जाते हैं। आप लोग अगर सही से इन्वेस्ट करें तो आप घर के कपड़ों में इन्वेस्ट करें या आप सेमी फॉर्मल कपड़ों में इन्वेस्ट करें, ठीक है ना। अब घर की शादी होती है, जाहिर सी बात है अगर जिनकी सर्दियों में शादी हो रही है ऑब्वियसली फ़ौरन से आपकी गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। तो होता ये है कि जब शादी के फ़ौरन बाद तो आप लोग बाज़ार नहीं निकलेंगे शॉपिंग करने के लिए, तो कोशिश करें कि आप लॉन के कपड़े बहुत प्यारे प्यारे से उनको लेसिंग करवा कर बनवा लें। मैं वैसे यहाँ पर एक पिक्चर लगा दूँगी यहाँ पर, ठीक है, वीडियो या पिक्चर जो भी आप लोग देखिएगा कि इस तरह के लॉन के कपड़े भी घर में पहने हुए बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, हम दुल्हन ही लगते हो, ठीक है। तो इस तरह के कपड़े होने चाहिए क्योंकि आपको शादी के फ़ौरन बाद इन्हीं कपड़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं सेमी फॉर्मल कपड़ों के बारे में, ठीक है। मैं ये पहले पॉइंट्स बता दूँ फिर मैं उसके बाद आपको अपना भी दिखाऊंगी। सेमी फॉर्मल कपड़े होते हैं बेसिकली बहुत कम काम के, ठीक है, बहुत नॉर्मल से जो आप, मैं कह लो आप दावतों में भी उसको पहन सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो भी आप उन लोगों को उन कपड़ों को पहन सकते हैं। अब हैवी कपड़ों का ये, अब मेरे बहुत ऐसे कपड़े हैं जो हैवी वो रखे हैं, अभी तक मैंने नहीं पहने, ठीक है। ज़्यादातर हैवी कपड़ों का ये होता है क्योंकि आगे आपके लॉज में आगे शादी है तो उन चीज़ों में वो कपड़े काम आ जाते हैं, नगर नहीं है तो फिर उस काम ने पुराना ही हो जाना है। तो इसलिए अब कोशिश करोगे तो भारी कपड़ों में आप लोग कम इन्वेस्ट करें। अच्छा जी, तो यहाँ पर सबसे पहले ड्रेस आ जाता है ये वाइट कलर का, ठीक है। ये पूरा वाइट नहीं है, एक ऑफ वाइट ड्रेस है और ये बहुत ही प्रिटी कलर, प्रिटी ड्रेस है, ठीक है। इसका आप काम देखिए, इसका काम देखिए आप, बहुत ही नाजुक सा काम है, बहुत खूबसूरत ड्रेस है, खैर वन ऑफ माई फेवरेट। और इसकी स्लीव्स को जिस तरह से, और इस पर काम नहीं हुआ, ये हल्का सितारों का कुछ काम है और इसका दुपट्टा भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। अगर ये वैसे मैं आपको दिखाऊँ तो शायद आप लोग को दिखाएँ, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा ड्रेस है, इसकी ड्रेसेस आ जाते हैं हमारे सेमी फॉर्मल में जो कि कम काम के होते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर आप लोग रेस्टोरेंट जा रहे हैं दावत में तो उस हिसाब से ये ड्रेस बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, ज़्यादा हैवी भी नहीं लगता और बहुत प्रिटी लगता है पहना हुआ। बस शादी की दावतें वगैरह ख़त्म हो जाती है तो भी अगर आप लोगों का छोटा मोटा कहीं आना जाना हो तो इस तरह के सेमी फॉर्मल कपड़े बहुत काम आते हैं। मैं एक और आपको ऐसा ड्रेस दिखा, देखिए आ जाता है इस तरह का ड्रेस, ठीक है। अब आप लोग देखें कि इस पर कोई काम नहीं है और ये बहुत ही प्रिटी ड्रेस, इसके सिर्फ नेक पर यहाँ पर काम हुआ है, ठीक है। स्लीव इसकी ऐसी है और दुपट्टा इसका इस तरह का, ठीक है, मैं ठीक कर देती हूँ। तो ये और ये कपड़ा भी बहुत अच्छा सा कपड़ा है, मुझे नहीं वैसे कपड़े की इतनी पहचान
खून था और ये शायद, लेकिन ये अच्छा सा कपड़ा है कोई। और आप इसको मौसम अगर चेंज होता है सर्दियों के बाद फौरन गर्मी आ जाती है तो ये कपड़े भी आपके बहुत पहने जाते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं ये वाला ड्रेस। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा है। ठीक है, जैसे बहुत प्यारा है, ये मेरे नॉज मेरे लिए बनवाया था और ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। पीछे इसके इस तरह से स्टोन है, बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है। उसको मुझे रखना पड़ेगा। तो इसका दामन कुछ इस तरह का है और इसकी ये स्लीव है। ठीक है, तो ये कपड़े भी सेमी फॉर्मल में ही आते हैं, आप बहुत अच्छे से इन कपड़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। शादी के फौरन बाद भी अगर आप 2-3-4 दावतों से फारिग हो तो उसके बाद आप इन कपड़ों को आराम से रगड़ रगड़ कर पुराना कर सकते हो। नहीं, खर्चा किया तो वसूल करके तो बनता है ना। अच्छा जी, तो सारे कपड़े मैं आप लोगों को यहाँ नहीं दिखा सकती, मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थोड़ा बहुत ही दिखा रही हूँ ताकि आप लोग इन्जॉय भी कर लें मेरे कपड़े देखकर और आप लोग को आइडिया भी हो जाए। अच्छा, तो इस तरह मेरे हाथ में ये ड्रेस है, ब्लैक एंड रेड कलर का। अगेन ये बहुत प्यारा ड्रेस है। अगर आप लोग को हाथ के काम पसंद है, एप्लिक हो गई, कढ़ाई हो गई, इस तरह मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है, बहुत ट्रेडिशनल और प्यारी लगती हैं, तो इस तरह के कपड़े मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने इस तरह से ये सारा इसके दामन पे ये आप लोग देखें, ये मैंने काम कर रहा था और इसके पूरे दुपट्टे पे भर कर काम हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने वैसे अभी तक नहीं पहना है, पहन लूँगी कभी, लेकिन ये बहुत खूबसूरत ड्रेस है। अगर आप लोगों को हाथ की चीज़ें पसंद है, मैंने ऐसा एक वाइट इस तरह का नहीं, एक डिफरेंट वाइट कलर में बनवाया था, मैं उसकी यहाँ पर पिक्चर लगाऊँगी। ठीक है, वो मेरी अम्मा का ड्रेस है बेसिकली, और एप्लिका हो गया वो भी था। तो ये हाथ की चीज़ें जो है ना बहुत खूबसूरत लगती है, मैं सोचती हूँ ये ज़रूर बनवाना चाहिए। मुझे पता अब लड़कियाँ बनवाती नहीं बनवाती, लेकिन मेरी अम्मा के दौर से बड़ा चला आ रहा है हाथ के कपड़ों जरूर काम होता है। अच्छा जी, तो वो सारे सेमी फॉर्मल कपड़े थे जो मैंने आप लोगों को दिखा दिए, जो आप लोग शादी के आने जाने में भी आराम से इन कपड़ों को बहुत चला सकते हो और बाद में घर में भी तैयार होकर बैठ सकते हो, कोई ऐसा मजायका नहीं है। और जो मैंने इस वक्त अपना ड्रेस पहना हुआ है, ये भी मैं आप लोगों को हल्का सा दिखाती हूँ। ठीक है, इस तरह के काम के कपड़े जो होते हैं बहुत हैवी होते हैं, भी मैंने शायद पहना है, एक ही बार पहना है, मेरी दावत हुई थी मैंने उसमें पहना था। और ये बहुत ही प्यारा सा कलर है और बहुत ही प्यारा ड्रेस है। ठीक है, इसके स्लीव्स का इस तरह से काम है, फिलहाल ये दिखा सकती हूँ, मैं खरीदी हूँ। अच्छा जी, आई होप आप लोगों को मेरे कपड़े देखकर थोड़ा बहुत आइडिया हो ही गया होगा कि अब आपको क्या शॉपिंग करनी है, किन चीज़ों में इन्वेस्ट करना। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि लॉन के कपड़ों में इन्वेस्ट करो। अच्छा जी, तो अब बात आ जाती है शूज़ की। तो शूज़ का ये है कि हमें बहुत बेसिक से फ्लैट्स का कलर चूज़ करना चाहिए, बहुत बेसिक से ही उसके कलर चूज़ करने चाहिए और उनको यूटिलाइज़ करना चाहिए कि हमारे किन किन ड्रेसेस के साथ चले जाते हैं। बहुत सारे जूते ले लो, वो गैन कपड़ों की तरह हो जाता है, आपने अगर वेट गेन कर लिया तो ऑब्वियसली आपका पैर भी स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको इतने जूते लेने की, वो फिर जूते किसी काम के नहीं आते, वो ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप कलर देख लो और उस हिसाब से आप लोग अपने जूते लो। वो अब आप पर है कि आप लोग अगर हील्स पहनते हैं तो आप हील्स लें, माना तो यही तरीका है कि आप लोग हील्स लें कुछ और कुछ स्लीपर ले लें। ठीक है, पहले तो ये कि आप लोग गोल्डन सिल्वर अवॉइड ही करें। ठीक है, वो आपके शादी के कपड़ों में आपको मिल ही जाते हैं। मुझे लगता है कौन सा ज़माना पहला ज़माना होता होगा जब लाल लहंगा है तो नहीं, जूता भी लाल ही लेना है दुल्हन के लिए, जूता मैंने पंजाबी जरा साउंड किया है। खैर जी, तो मैं बात कर रही थी इन शूज़ के बारे में। ठीक है, उनका भी दिखाती हूँ। ये सैंडल्स हैं, मैं इनके बारे में बात कर रही थी। अगर आपको कुछ लेना हो, जूते लेना हो, तो आपको ये सैंडल आप लोग ग्लास में लें। ये आप लोगों ने देखा होगा आजकल बहुत चल रही हैं, ये ट्रांसपेरेंट हील्स बहुत बढ़िया लगती हैं। अगर आपने आपका गोल्डन कलर का ड्रेस है तो भी उसमें जाएगा, और अगर आपका सिल्वर कलर का ड्रेस है तो ये सैंडल भी आपकी बहुत अच्छे से जाएगी। और फायदा ये कि आप लोग लॉन के ड्रेसेस पर भी ये सैंडल्स पहन सकते हैं, ये बहुत बढ़िया लगती है। अच्छा, इसकी कहानी ये है, मैं आप लोग मज़े की स्टोरी बताती हूँ। मैं इंसिग्निया गई थी, नाम लूँगी बताऊँगी, ठीक है। तो मैंने सीखने गई थी, यही सैंडल्स रखी हुई थी वहाँ पर 7,000। ये जो है ना, मैं मिलके सब पागल बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, यहाँ पर है। ठीक है कि अच्छे से ढूंढो, सोच समझ के शॉपिंग करो। अच्छा, मैंने ये ऑनलाइन मंगवाई थी, ठीक है। मैं मुझे ज़्यादा बाज़ारों में बहुत घूमना वगैरह नहीं पसंद, मैं घर बैठे बैठे शॉपिंग करती हूँ। घर बैठे बैठे भी आप बहुत अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं, बस आपने देखना है कि आप किस से शॉपिंग कर रहे हैं, कौन है। ठीक है, आजकल फेसबुक पर मैं आपको बताऊंगी सेलर्स बैठी हुई हैं कपड़े सैंडल्स लेकर, बहुत अच्छी शॉपिंग हो जाती है उनसे। आप लोगों ने भी देखे होंगे तो आप लोग उनसे शॉपिंग कीजिए, बहुत अच्छी शॉपिंग पड़ जाती है, लेकिन वो भी देख कर ही करें, कुछ आप लोगों को लूट ना लें, सभी से हो सकता है। खैर, तो मैंने ये सैंडल्स ली थी 2200 की, ठीक है, मैंने ली थी 2200 की। आप देखें, सिग्नल पर 7,000 की रखी थी, मुझे नहीं पता कि उन्होंने कौन सी, कोई सो क्रिस्टल वाली शायद हील लगाई हुई थी या
कौन सा उनका मटेरियल था मुझे नहीं पता, पेन पान के एक चीज़ हर चीज़ पुरानी हो ही जाती है, कुछ ज़िंदगी भर आपने कवर में लेकर नहीं जाना होता इन चीज़ों को, तो मुझे नहीं पता ये 7,000 और 2,200 का क्या फ़र्क है। उनको कहा मैंने कहा अच्छा वहीं रख दो, वहीं अच्छी लग रही है, ऐसी चीज़ें ना वही अपनी जगह पर अच्छी लगती हैं, जब आपको एक जगह से रिजनेबल चीज़ मिल रही है वही सेम, तो ऑब्वियसली आप भी वही लेंगे। तो बस मैंने भी उसी तरह समझदारी की, तो मैंने भी यही लिया। इसलिए शॉपिंग करने से पहले अच्छे से सर्च कर लो, ऑनलाइन बहुत अच्छे से चेक कर लो, बाज़ारों में चेक कर लो और आराम से शॉपिंग करो। टेंशन नहीं होती ये लेना है वो लेना है, हाई बड़े इन्जॉय करो, रिलैक्स कम लो और सोच समझ के लो और रिलैक्स होकर लो, तभी आप लोग इन्जॉय कर सकेंगे, वरना आप लोगों के सब पे सवार होगा ये लेना है वो लेना है, तो फिर उस चीज़ का मज़ा ख़राब हो जाता है। खैर, तो ये सैंडल्स बहुत अच्छी हैं, बहुत कपड़ों पर आप लोग इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, फॉर्मल वेयर लॉन सब के। ये वैसे लाल भी है तो बहुत प्यारी चप्पल है। अच्छा जी, तो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ये ब्लैक कलर की हील्स, ये बहुत प्यारी लगती है, रस्मी ये पहनी भी बहुत एलिगेंट और बहुत रिच लुक देती हैं और बहुत खूबसूरत हील्स है, वो क्रीम कलर में भी ले सकते हैं, उस कलर में भी बहुत प्यारी लग रही थी, आपके लॉन के सारे कपड़ों पर ये हील्स जाए। तो अब बात कर लेते हैं फ्लैट्स की, ये मैंने फ्लैट्स ली थी, ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत सी स्लीपर है, बहुत प्यारी है। वैसे मैं ज़्यादा हील्स वगैरह नहीं पहनती, लेकिन मेरा मियाँ थोड़ा लंबा है मुझसे तो इसलिए मैंने हील्स वगैरह ली थी और बहुत मुश्किल से अपने आप को हील्स में आदत डाली थी, वरना मैं हील्स पहन के चल भी नहीं पाती थी, लेकिन खैर जिन लड़कियों की आदत है वो तो आराम से कैरी कर सकती हैं और जो लोग फ्लैट्स पहनती हैं तो वो इस तरह की फ्लैट्स लें, बहुत खूबसूरत लगती हैं। अगेन ये आपके लॉन्ग के कपड़ों पर बहुत प्यारी लगती हैं, जो इसके स्टोन्स हैं ना ये इस मदद देते हैं इसको, ये फैंसी ड्रेसिंग में भी आप लोग पहन सकते हैं और सेमी फॉर्मल जो जिस तरह के काम वाले कपड़े होते हैं उनमें, लेकिन ये बहुत खूबसूरत चप्पल है। कोशिश करो कि सेल हो तो सेल में बहुत अच्छे पड़ जाते हैं, लड़कियों सेल से ही शॉपिंग करनी चाहिए। तो बस ये थे शूज़, अब मैं थोड़ी बहुत आपको अपनी ज्वेलरी दिखाती हूँ। अच्छा, सबसे पहले ये कि तुम लोग ज्वेलरी कलेक्टर हो ना, तो तुम लोगों के पास अच्छी सारी कलेक्शन होगी, तुम्हें ज़रूरत नहीं है लेने की। और मुझे ज्वेलरी का बिल्कुल आइडिया नहीं आती था, हाँ मुझे मेकअप का ज़रूर था, कपड़ों का ज़रूर था, लेकिन ज्वेलरी का नहीं, क्योंकि मैं इतनी पहनती नहीं थी। मेरे को देखो मैंने ये पहना हुआ है, ठीक है, ये बहुत ही प्यारा है, ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत सा ईयरिंग है और ये मेरे लॉन के कपड़े पर भी चला जाता है, और अब जैसे मैंने ये हैवी ड्रेस पहना तो आप लोग देख रहे हैं ये उस पर भी जा रहा है। तो ये बॉक्स है, ठीक है, जो थोड़ी बहुत जो मैं ले सकी पिक कर सकी ज्वेलरी वो मैंने कर ली, जो मैं इतनी ज़्यादा ज्वेलरी नहीं लेती तो ये सारा मेरा खजाना है, और भी ऐसे छोटे छोटे, लेकिन मैं बस ये डब्बा उठा के लाई। अच्छा जी, सबसे पहले ये कि इतनी भारी भारी ज्वेलरी लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसी तरह जैसे मैं आपको दिखाया मेरे कान में पहने हुए, और ये एक तरह मैंने एक झुमकों का पेयर लिया था, लाइट पड़ी है शायद, पता नहीं दूर से देखे हम लोग, ठीक है, ये मैंने इस तरह झुमकों का पेयर लिया था, ये बहुत खूबसूरत लगता है, मैं पहन के दिखाती हूँ। झुमके मैंने पहन लिए, और मैंने जो झुमके लिए थे ना मैंने यही सोच के लिए थे जो मेरे फैंसी कपड़े होंगे ना ये उनके साथ चले जाएंगे, तो ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं पहने हुए, देखो इस तरह के मैंने बहुत इयररिंग्स लिए थे, ये जो मैंने अभी अपने कानों में पहना है वो ये था, ठीक है, और इसके अलावा एक ये, अब ये दो देख लो सिमिलर शेड मिल गया, ये दोनों सिमिलर नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगेन ये जो इयररिंग है बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है यार, चलो ऐसे देख लो, ये जो एयरिंग है ये बहुत खूबसूरत है, अगेन ये मेरे लॉन के कपड़ों के साथ, और जो मैंने अभी वाइट कलर का ऑफ वाइट ड्रेस दिखाया था उसके साथ मैंने ये पेयर किया था। बाद आ जाते हैं इस तरह के एयरिंग्स, ठीक है, ये बहुत प्रिटी लगते हैं ये वाले, आप सब ये जो वाइट कलर का एयरिंग है ना ये बहुत प्यारा है, ये मेरे अब्बा इंडिया से लेकर आए थे मेरे लिए, और ये बहुत ही खूबसूरत है, एक ये झुमका पिंक कलर का और ये वाइट कलर का, तो ये मेरे अब्बा इंडिया से लाए थे, ये बहुत खूबसूरत है। सर ये यहाँ पर मिलते होंगे ऑब्वियसली, इस तरह के आप लोग झुमके ले सकते हैं, ये ठीक है, और ये इयरिंग्स हैं ये भी बहुत खूबसूरत है, बहुत लाइट वेट और बहुत प्यारे से, और ये भी पहने में बहुत अच्छे लगते हैं। अगेन कोई आपके भारी कपड़ों चाहते हैं, आप थोड़े बड़े से इयरिंग्स करना चाह रहे हैं तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बहुत ही भद्दी और अजीब सी ज्वेलरी लेने की, कोशिश करा करो अगर बड़े भी ले लो तो बहुत नाजुक से और खूबसूरत झुमके लो। ऐसे मुझे झुमके बहुत पसंद है, किन किन लड़कियों को झुमके पसंद, ज़्यादातर लड़कियों को झुमके ही पसंद होते हैं वैसे, ठीक है। उसके अलावा एक मेरे पास था ये वाला पेयर, ये भी बहुत खूबसूरत है, ये दरअसल थोड़ा कोई मैट है, मुझे ज़्यादा बताना नहीं आ रहा ज्वेलरी के बारे में, लेकिन ये थोड़ा डार्क ज्वेलरी नहीं होती है उस तरह की ज्वेलरी, और ये बहुत ऐसे देख लो, हाँ आप समझ आए, और ये बहुत ज़्यादा जो है ना खूबसूरत लगती है, पसंद है। ये अगेन इस तरह का है, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है पहना हुआ, ठीक है। उसके अलावा आप लोग चाहें तो आप इस तरह से नाज, वैसे मैं पहले लिया, मैंने अभी तक ये भी नहीं पहना, मैंने बताया मुझे कुछ ज़्यादा ज्वेलरी पहनने की आदत नहीं है,
तो इस तरह से आप लोग ब्रेसलेट ले सकते हैं। अच्छा जी, तो ये सारी ज्वेलरी थी जो मैंने ली थी, बहुत छोटी मोटी, और आप लोग बिल्कुल भी भारी, बहुत भारी भारी सेट्स होते हैं, भारी भारी बूंदे होते हैं, बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपने गले के लिए लेना है तो आप छोटे छोटे से नेकलेस ले सकते हैं। उसके अलावा हाँ, एक जरकोन के सेट्स होते हैं, वो मुझे बहुत पटी लगते हैं, अगर आप लोग लेना चाहें, अगर आप लोग वो ज़रूर लीजिएगा, वो बहुत खूबसूरत, नाजुक से बहुत प्यारे लगते हैं। मैंने भी लिया था, लेकिन वो पता नहीं मैंने कहाँ रखा है, वरना मैं आप लोगों को वो भी दिखाती। अच्छा जी, तो बस यही सारी शॉपिंग थी, यही बातें थी जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। होप शायद वो हेल्पफुल रही हो, मुझे ज़रूर बताना अगर आप लोगों को समझ आया, और दिखाया भी साथ में मैंने इसलिए था कि आप लोग इन्जॉय भी कर लें, और सुनकर इतना समझ नहीं आता, मैं समझती हूँ, लेकिन अगर आप लोग साथ में चीज़ों को देख भी रहे हो तो आप लोग बेहतर आइडिया लगा सकते हैं। तो बस यही था, हमने सारी शॉपिंग के बारे में बात कर लिया है। होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरे चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना चाहो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।